गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अपनी जगह पे सुरक्षित हैं। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 5 का जो इंग्लिश का लेसन है, द लॉयन किंग। उसके हमारी लास्ट की जो 3 पंक्तियाँ हैं वो बच गई हैं, और उसके बाद हम जो इसका एक्सरसाइज दी गई है उनको हम करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं जो आज का हमारा लेसन है, द लॉयन किंग का 5th पार्ट। ठीक है, हमने यहाँ तक कर लिया था कि जो लॉयन किंग है वह बता रहा है कि किस प्रकार जो सिविलाइज्ड पीपल ने जंगल को ख़राब कर दिया है, उसके जो अन्य जानवर थे उनको किस प्रकार उन्होंने मारा है, उनकी जो संसाधन थे उसके अंदर किस प्रकार उनको लूटा गया है, और जो इंसान था वह जो सिविलाइज्ड पीपल है वो उसके फ्लैश यानी कि मांस के लिए, उसकी स्किन के लिए, उसके दांत के लिए और उसके पंजों के लिए किस प्रकार जानवरों को मारते हैं, ये हम सब जो पढ़ चुके हैं। इवन नाउ, यहाँ से हमारा जो लास्ट की 3 लाइन है यहाँ से शुरू होता है, इवन नाउ आई एम द किंग। जो शेर है वो कहता है कि अभी भी मैं राजा हूँ। इवन नाउ का मतलब होता है अभी भी। आई एम द किंग, मैं किंग हूँ यानी कि राजा हूँ। बट वट हैज़ बिकम ऑफ माई किंगडम, परंतु मेरे साम्राज्य और एंड माई सब्जेक्ट, बट परंतु मेरे राज्य और जो मेरी प्रजा थी उनको क्या हो गया है, यानी कि वट दिस सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स, इतने घृणा से भरे कार्य क्यों हुए। यानी कि जिस प्रकार शेर बता रहा है कि जंगल के अंदर किस प्रकार से नुकसान हुआ था, स्मगलर थे जो हंटर्स थे वो किस प्रकार से एनिमल्स पे अटैक कर रहे थे, ओ शेर कहता है कि मैं अभी भी राजा तो हूँ लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये मेरी प्रजा के अंदर और जो मेरे साम्राज्य के अंदर इस प्रकार का जो नुकसान हो रहा है वह इस प्रकार के घृणा से भरे कार्य क्यों हुए। आर नॉट यू रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, क्या आप इसके लिए जिम्मेदार नहीं हो। रिस्पॉन्सिबल का यहाँ पर जो मतलब होता है, मीनिंग है, वह है जिम्मेदार, कि क्या आप इस जो आपने ये घृणित कार्य किया है क्या आप इसके रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। आर नॉट यू, क्या आप नहीं हैं। थिंक वेल, आप इसके बारे में अच्छी तरह से सोचें। प्लीज फाइंड अ सल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, और कृपया करके इस समस्या का कोई हल तो आप निकालें। प्रॉब्लम्स मतलब समस्या, और सल्यूशन का मतलब होता है यहाँ पर हल। जो शेर कहता है कि मैं अभी भी राजा हूँ और इस प्रकार जो मेरी प्रजा के अंदर, मेरे साम्राज्य के अंदर ये कार्य हुए हैं, घृणित कार्य है, तो मैं इससे बहुत हैरान हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या जो सिविलाइज्ड पीपल है इसके लिए आप इसके जिम्मेदार नहीं हो कि जो ये नुकसान हो रहा है, जो पशुओं को मारा जा रहा है, कभी किसी की मांस के लिए, कभी किसी की स्किन के लिए, कभी किसी के दांत के लिए, कभी किसी के पंजे के लिए, आप दिन ब दिन जो ट्रीज़ है उनको काटे जा रहे हो, एनिमल्स और बर्ड्स को आप पकड़ के पिंजरों में डाल रहे हो, उनके जो रिसोर्सेज हैं इसके अंदर आप उनका गलत प्रयोग कर रहे हो, तो जो इसकी सुंदरता थी जंगल की वह किस प्रकार आपने नष्ट कर दी है, और इस प्रकार आप इसके बारे में सोचें और बताएं कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो बड़ी ही दयनीय कहानी है, कह सकते हैं इसको। और इसके बाद हम इसके जो क्वेश्चन आंसर है उसको देख लेते हैं क्या क्या है। यहाँ पर जो पहला प्रश्न है उसको हम पढ़ देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्पोकन बाय द किंग, इनके राजा के द्वारा जो कौन कौन से सेंटेंस है, वाक्य है, वो बोले गए हैं, उनको टिक करना है आपने कि वो कौन कौन से सही हैं या कौन कौन से उसमें गलत है, हमने सही के ऊपर ही निशान लगा देना है। ठीक। माई किंगडम वॉज नेवर ब्यूटिफुल, तो ये तो शब्द जो राजा ने वो नहीं बोले, जबकि अगर हम बात करें राजा की किंगडम की यानी कि लोइन की जो किंगडम है, जंगल था वो तो बड़ा ही सुंदर था, तो नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, तो ये क्वेश्चन जो है, जो ये सेंटेंस है वो रॉन्ग है, ये लॉयन ने नहीं कही। माई बर्ड्स सेंग द स्वीटेस्ट सॉन्ग, यस, जो शेर है उसने यह लाइन कही है, तो ये हम इसको टिक कर देते हैं। नन ऑफ द हिली ट्राइब्स लिव्ड विद अस, इसने कहा कि जो हिली ट्राइब्स यानी कि जो पहाड़ी जो जातियां हैं, जनजातियां हैं,
वो हमारे साथ नहीं रहती थी। तो ये बिल्कुल गलत है, उनके साथ तो हिली ट्राइब्स जो रहते थे। आई वॉज प्राउड ऑफ माई किंगडम, मुझे अपने साम्राज्य पर प्राउड था, गर्व था। तो बिल्कुल था, ये टिक कर देंगे हम इसको। मैनी ऑफ माई सब्जेक्ट्स डाइड, मेरे जो हमारे साथी थे वो बहुत सारे थे और वो डाइड यानी कि मर गए। यस इट इज़ राइट, क्योंकि यह सत्य बात है। तो हम इस एक्सरसाइज को यहीं करते हैं समाप्त, क्योंकि अगला जो वीडियो है वो हम आपको जल्द ही बना के देंगे। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे जल्द ही मिलते हैं, ठीक है? तो तब तक के लिए बाय बाय।